साहब कैसे हो? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे पास एक मोटरसाइकिल का इंडिकेटर है। आप जानते हो कि आपका मोटरसाइकिल, जो भी मोटरसाइकिल रखते हो, उसका इंडिकेटर टूट जाता है कई बार, और टूटने के बाद आप उसको फेंक देते हो। आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप कभी नहीं फेंकोगे। आपको इस तरीके का इंडिकेटर टूटने के बाद आपको आगे से तोड़ देना है, या चाहे आप स्क्रू खोल सकते हो। मैंने इसको ऊपर से तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद आपको एक इस तरीके का बल्ब मिलेगा। आपको इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद इसको साइड में रख देना है। रखने के बाद आपको एक इसके अंदर बल्ब देखने को मिलेगा, जो कि 12 वोल्ट पर वर्क करता है। इसके अंदर आपको टंगस्टन का तार दिखाई देगा अंदर। आप इसको एक बार चेक कर लेना फ्यूज है या नहीं। इस तरीके से आपको अंदर दिख रहा होगा, ये अच्छी तरीके से अभी है और फ्यूज है नहीं। मेरे पास एक दो बल्ब और है, मैं दिखा देता हूँ जो कि वो इस तरह का। मेरे पास एक बल्ब और है, एक ये मेरे पास है, एक तो ये है जो बिना फ्यूज हुआ है, और ये देख सकते हो एक फ्यूज हो रहा है। आप आसानी से देख सकते हो इसके साइड में से तार हटा हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्यूज हुआ है और ये फ्यूज नहीं है। तो फटाफट से एक बार मैं इसको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और आपको 12 वोल्ट की बैटरी नहीं बनानी आती तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि मैंने घर पे बनाई है। इस तरीके से मैंने माइनस का और एक प्लस का ले लिया। माइनस का इसके अंदर, जो कि आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, थोड़ा टूट रहा है, टूटा हुआ है। इसको इसके अंदर आपको इस तरीके से, इसके अंदर जो ये दिख रहा है, इसके ऊपर लगा देना है। सोल्डरिंग कर देंगे बाद में। और एक तार आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर जो कि आपको ये दिख रहा है, छोटा सा आपको ये दिख रहा है, इसके ऊपर लगाना है। आपको इस तरीके से लगाने के बाद ये बल्ब अच्छी तरीके से वर्क करेगा। एक बार मैं अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। इस तरीके से अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो फटाफट से सबसे पहले मैं इसके ऊपर दो वायर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर आगे का काम आपको दिखा देता हूँ मैं। इस तरीके से देख सकते दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर ऊपर बिजली वाली टेप लगा दी है। अगर आपको अभी कनेक्शन समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। एक वायर तो इसके ऊपर रेगमार्क की मदद से इसको घिसकर, और इसके ऊपर एक वायर इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देना है, और एक वायर आप इसके बॉडी पर कहीं पर भी टच कर सकते हो, यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हो, वरना ये यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी दोनों साइड। इन पे भी आप एक वायर कनेक्ट कर सकते हो, माइनस का, नेगेटिव का और पॉजिटिव का यहाँ पर आपको कनेक्शन कर देना है। और कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारा फ्यूज बल्ब है और ये ठीक था। इसके मैंने कनेक्शन कर ऊपर, इसके ऊपर आप उसके बिजली वाली टेप लगा सकते हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। लगाने के बाद आपको इसको काम इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैंने एक इस तरह की बोतल ले ली है, और इसको सबसे पहले यहाँ से हम काट लेते हैं। इस बोतल के अंदर सेट करने वाले, सेट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कितनी सुंदर और कितनी अच्छी हमारा लैंप ये दिखेगा। इस तरीके से मैंने बोतल को काट लिया है। काटने के बाद इसको ऊपर वाला ढक आपको खोल लेना है। खोलने के बाद हम इसके अंदर सेट करने वाले हैं। तो सेट करने से पहले हम इसके अंदर एक फटाफट से होल कर लेते हैं। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इसके अंदर होल कर लिया है। करने के बाद इसके अंदर से इन दोनों वायर को हमको, माइनस और प्लस के दो वायर हैं जो इसके अंदर से हमको निकाल देना है। कुछ इस तरीके से निकाल देना है। निकालने के बाद हम इसके अंदर इसको सेट करने वाले हैं। सेट करने के लिए हम इसका ग्लू गन लगा देंगे इसकी साइड साइड में। दोस्तों मैंने टेप वगैरह लगाकर सब ग्लू गन की सहायता से मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, और अब हम इसको चलाकर देखने वाले हैं। तो आपको इसको 12 वोल्ट की चला सकते हो। तो मैं एक बार आपको इस दिखा देता हूं। अगर आप इस बैटरी की बैटरी बनाना चाहते तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो प्लस पर प्लस जोड़ देता हूँ, और आप इसे 12 वोल्ट के एडेप्टर हो तरीके से मैं एक बार जोड़ देता हूँ।
जोड़ने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर हमारा ये दिख रहा है। और मैं एक स्टूडियो की लाइट आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं स्टूडियो की लाइट बंद इस तरीके से बंद कर देख सकते हो दोस्तों हमारा सुंदर। और आप इसे किसी भी दीवार वगैरह पर और किसी भी सजावट की जगह पर सोप वगैरह में या अपने स्टूडियो वगैरह में लगा सकते हो। और आप टूटे हुए इंडिकेटर से इस तरह की कमाल चीज़ बना सकते हो। तो आई हो आप इसको दीवार वगैरह पर लगाकर 12 वोल्ट के अडेप्टर से आराम से चला सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए डाल